यार अच्छा बताइए। चला सर। हाँ आप बताइए हाँ जरा आप इसके बताइए बारे में मेरे मेरे को। को जैसे जैसे आपने, हाँ जैसे सर आपने पहले सैमसंग का फाइलें वगैरह डाउनलोड करना सिखाया, हम लोग तो सीधा गूगल से करते थे, साइडो का पता चला, ठीक है सर। तो जो FRP है उसकी ब्लॉक होती है सैमसंग की, वो क्लियर हुआ, मैंने किया भी एक सेट। मेरे से कल मैं ठीक J2 250 कर रहा था ना, वो मैंने कर दिया था, हो गया था वो। ओके तो उसके बाद सर MI का आ गया, ठीक है। UMT में यूज कर रहा था, लेकिन UMT में बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जो मेरे को नहीं समझा रहे थे, पता ओके नहीं था। वो थोड़े किए हैं, हुआ है काम मेरे से, ठीक है। ओके ओके तो जैसे हम लोग कॉलकॉम का करते थे, मीडियाटेक कर रहे थे, ठीक है सर। ठीक इसकी फैले वगैरह ये कुछ काफी कुछ पता लगा है सर। ओके तो जैसे और हम लोग वो करते थे ना, कॉलकॉम का ड्राइवर उठाना था, ठीक है, पोर्ट नहीं बनाना था, तो वो काम थोड़ा वो भी समझाया सर। ठीक है, तो बहुत चीजें समझ में वीवो आ गई वगैरह का हम आपको। लोग ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन कराते थे हम लोग, वीवो का Y15 आजकल ये हो नहीं रहे ना, Y15 Y17, ठीक है तो वो थोड़ा बढ़िया समझ आ गया, ठीक है, तो अभी तक देखो 4 दिन ठीक है हुआ सर। है, बहुत कुछ समझ में आया, अभी और हमारा क्लास बाकी है, ठीक है, तो अभी सर तक तुम सेटिस्फाइड है इतने क्लास से? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं हूँ सर। मैं कम से कम 15-18 साल से काम कर रहा हूँ, UMT 3 साल हो गए यूज करते हुए, और UMT में ये भी नहीं क्लियर होता, भी उसका जो UFS हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं वो अलग तरीके से होता है, ठीक ठीक है। लेकिन UMT के बारे में भी काफी नॉलेज आया। वेरी गुड, ठीक है, और कोई दूसरा भाई बताइए, अब्दुल जी सर, अजीज, चलो राजकुमार आपसे ही बोलो। जी सर, सर सॉफ्टवेयर काम करते तो करीब 10-12 साल हो गया सर। पहले तो ये बताइए कहां ये से आप, जो नोकिया कहां का कहां यू से, ये भी बताइए। देखो मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि कहां कहां से लोग आए हैं, जी ठीक है, आप लोग अपना बताइए। सर मैं बीना से हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट से, MP से, मध्य ओके प्रदेश। तो सर मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओ दोनों का काम है जी, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम सर बहुत शुरू से करते हैं, जब से नोकिया का 6676 चलती थी ना, 1200-1600 नोकिया का, उस टाइम यस पे माइक्रोसॉफ्ट से जम्पर लगाया हूँ सर। उस टाइम पे UFS 3 चलाया हूँ सर, इन्फिनिटी UFS। उसके बाद बहुत सारे बॉक्स आए अपने, स्पाइडरमैन, बहुत सारे बॉक्स था जो नाम ही भूल गया मेरे को। ठीक है, और लेकिन जो एक्सपीरियंस सर कैसा आपसे रहा, नॉलेज मिला है सर, बढ़िया सर समझ में आ रही है जैसे क्लास क्या है? जी सर, बिल्कुल 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 ठीक है, तो इजी में जा रहा है क्लास, जी सर, बिल्कुल चलो ठीक है। तो और कोई और बोलना चाहेंगे? उत्पल बताइए, थोड़ा सा आप बताइए कुछ, कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो बताइए जरा कुछ डिटेल्स। सब तो क्लियर हो गया, ठीक ठाक है। आप SPD की प्रोसेसर जो होती है ना, उसके बारे में नहीं बताए। नहीं, अभी जो जो क्लास चार दिन का थोड़ा हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। क्लास चल रही है, उसको बढ़िया था। ये सब काम करता हूँ, जानता भी हूँ, 90% जानता था, पर 3% जो बाकी था उसी काम वाली कर रहा हूँ अभी तक। बहुत अच्छा भी था क्लास, बहुत कुछ जानने मिला जो मैं अभी तक नहीं जानता। खासकर जो आपने ये कई बॉक्स के बारे में बताया ना, IC, तो मेरे बहुत IC होता है ना, वो डिटेक्ट नहीं करता है, डिटेक्ट करता है। मेरे पास IC करंट है, ये किसका है, EMC करंट नहीं है। और जो आज जो बताया ना, उससे शायद बहुत सेट हो, जो मैं घुमा चुका हूँ कस्टमर को, वापस कर चुका हूँ, शायद बहुत सेट हो जाए। तो कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके? ठीक डाउट तो सारे क्लियर रखते थे, कुछ नहीं रहा था। है, आप थोड़ा सा मतलब पहले से काम करते थे? हाँ मैं पहले से काम करता हूँ, तो मेरे पास सारे बॉक्स भी है, सिर्फ MIPI टेस्टर नहीं है सारे है भी। मैं EMC का जो MI का जितना सारे बहुत सारे सेट होता है, EMC चेंज भी कर चुका हूँ, लेकिन UPS के बारे में कुछ नहीं पता ज्यादा कुछ। और वीवो के बाद EMC चेंज प्रोसेस होता है, उसके हाँ बारे में कुछ नहीं पता। यूफेस आपको मिल जाएगा क्लास हाँ उसका, मैं आपको MIPI में जेटैक में सब मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा लगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल चलो ठीक है, और हमारे साथ कौन है, बापू रेड्डी का है? सर
हाँ बाबू रेड्डी, थोड़ा बताइए आपका। सर अच्छा है सर, क्लास तो अच्छा है सर। हाँ एक्सपीरियंस बताइए कैसा चल रहा है। ओ, बहुत सारे नए मॉडल था मेरे को भी, आप जो बोले अच्छा, बहुत हेल्पफुल है मेरे को। अच्छा और वीवो वीवो वाई ट्वेल्व में, वाई ट्वेल्व वो अनलॉक नहीं करता था भी कर रहे ऐसा, मतलब जिसमें डर लग रहा था अनलॉकिंग में वो हो गया। हो गया सर, एकदम इजी ट्रिक से हुआ। एकदम इजी ट्रिक से है आपका बस। और आज भी आपने पोस्ट किए थे ग्रुप में A3S या कोई मॉडल का, ओप्पो का, कौन सा, वीवो का शायद। हाँ वीवो का, हाँ तो उसका करना है, तो उसके लिए मैंने आपको ग्रुप में डाला था, वो चीज का आप रिप्लाई नहीं दिया। वो सिक्से भी रिस्टार्ट प्रॉब्लम का हो गया सर, मैं जा रहा। रिप्लाई दिया आप, एक मिनट रुकिए। हाँ थोड़ा सा आप बताइए, अजीज कहाँ से आप? हेलो मैं, हेलो कहाँ से बोलो? मैं बनारस से हूँ, रहने वाला दिल्ली का हूँ, बनारस रहता हूँ। बनारस दिल्ली, वेरी गुड जी। मैं काम तो 4 साल से कर रहा हूँ, पर लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, मैं अपने मेहनत के दम पे अभी चीप लेवल तक कोई भी ICU मतलब काम कर लेता हूँ, उसके बाद सॉफ्टवेयर का सब नॉलेज है, पर लेकिन मुझे जो चेंजिंग और प्रोग्रामिंग वाला जो था तो प्रॉब्लम था सर, फाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं तो बाकी अल्लाह का करम है सर, सब करता हूँ। चलो ठीक है। और क्लास का एक्सपीरियंस कैसा लगा अभी तक? बहुत मस्त लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, और जो जो चीज का मुझे नॉलेज नहीं था, कंफ्यूजन था, वो सब सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। क्लास में बोर तो नहीं हो रहे, मतलब ऐसा क्लास तो हवा में तो नहीं आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं खामोश रहता हूँ, तो मुझे जो चीज क्लियर नहीं होता मैं फिर पूछता हूँ। ठीक है, तो एक्सपीरियंस अच्छा लगा 4 दिन का अभी तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा, मस्त आपका सपोर्ट रहेगा और आगे बढ़। चलो ठीक है जी। और निकेश बताइए। हाँ सर, मैं भी अभी 4-5 साल से मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर का जो इतना अच्छा नहीं, वो था नहीं मेरे को, सिर्फ मैं उसमें UMT और मिराकल यूज कर रहा था। अभी तो मैं अभी आपने मेरे को सिखा दिया है, तो अभी मैं लूंगा UFI बॉक्स, अभी कल नागपुर जाऊंगा सुबह। ठीक है, अभी कल सुबह नागपुर जाऊंगा और पहले सबसे पहले लूंगा बॉक्स UFI बॉक्स। मैंने कल रेडमी निकाल लिया है, वो आ रहा 19,500 का, 19,500 का आ रहा है, अभी देखता हूँ मैं वो लेके आता हूँ कल, और वो भी अभी ट्राई करूंगा। MCIC वगैरह मैंने वैसे निकाल के रिबॉलिंग की हुई है, अभी उसमें भी करेंगे एक बार। देखो आपकी बात सही है, मेरा नाम अभी क्लास चल रहा है अपना MMC का, और अगर अभी बॉक्स लेंगे तो काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो क्लास लेके बहुत सारे लोग महीना दो महीना लेते नहीं, काम चले जाते। हाँ हाँ सर, मैं उसके लिए कल ही जा रहा हूँ, और सबसे मेन बात सर, मैं ये 27 तारीख को अपने हैदराबाद आने वाला था, लेकिन मेरा तो थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं उधर नहीं आ सका, इसलिए मैंने अभी ये आपका जो क्लास है ऑनलाइन, तो वही ज्वाइन कर दिया है। मैंने अभी समझो 2 महीने करता हूँ मैं सॉफ्टवेयर और इधर का, बाद 2 महीने बाद मैं उधर हैदराबाद जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे को हार्डवेयर के लिए आ जाओ। हेल्थ की सर मेरी अच्छी है सर, अच्छी है मेरे, लेकिन तभी भी मैं कहता है जो बेसिक काम कैसा है सर, आजकल कोई भी काम कर लेता है, डिस्प्ले टच तंबू कोई भी डाल देता है, अपने को क्या करना है, हार्डवेयर जो मार्केट में कोई कर नहीं रहा वो अपन खुद कर सके, उसके हिसाब से मैं उधर आना चाहता हूँ हैदराबाद अभी। लेकिन ये महीने में तो मैं बजट नहीं बैठा, मैंने तो 40-50 हजार में जमा कर दिए थे, 50 हजार तो है मेरे पास 50 रुपए, लेकिन अभी कैसा है महीने का आखिरी दिन चालू है, तो भाड़ा थोड़ा ये वो बदले का पेमेंट हुआ, इसलिए मैं पर रुका हूँ, लेकिन 2 महीने बाद पक्का आऊंगा सर, हम बहुत से बोल रहा हूँ अमरावती से। ओके ओके, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी अच्छा चल रहा है आपको, इतना तो मजा ही आ रहा है ना क्लास में सर? सॉफ्टवेयर के लिए सर मैं A3S वगैरह जो थे मैं बाहर डर रहा था, अभी तो A3S तो मैं खुद ही कर लेता, अभी जो आपने बताया, अभी मैं कल ही UMT लेके आऊंगा, बाकी तो मैं खुद कर लेता हूँ बारीक चीज छोटी चीज, अभी आपसे और उसमें आपका सपोर्ट रहा, हम बहुत आगे जाएंगे। और सपोर्ट तो हमारा हमेशा ही रहेगा,
ठीक है, बस सर आपका सपोर्ट है और कहीं भी नहीं है सर। थैंक यू सर। ओके। और चार दिन में सर मैं अच्छे से काम सीख गया हूँ, जो एनए का सॉफ्टवेयर कर रहा था, लेकिन जो बेसिकली जो एनए की चीजें थी, जो एनए मानी छोटी छोटी चीजें थी, उसके हिसाब से अपना मोल डेढ़ होने की भी रिस्क नहीं रहती, और अपने गारंटी रखता कि अपन बना सकते हैं भाई 100%। एनए कहता है अभी हमें मतलब डेरिंग आ गई भाई, अपने मोबाइल कर सकते रह रहे, पहले कहता थोड़ा फुल कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिशन आ गया सर, मेरा कॉम्पिटिशन आ गया कि नहीं भाई अपन कर सकते हैं। पहले कैसा रहता था भाई, डेट तो नहीं होगा भाई, डेट तो नहीं होगा, थोड़ा डर लगता था भाई, साला मोबाइल डेट हो गया तो उनको भरपाई जाना पड़ता कस्टमर को, और मैंने भरपाई भी करके दी है मोबाइल कस्टमर को, ऐसा नहीं है भरपाई भी करके दिया हो, किसी को पैसे भी दिया हो, लेकिन मैं काम छोड़ा नहीं, कर रहा हूँ, डेट हो गया तो हो गया, लेकिन काम तो सीखता आदमी। कोई भी आया ना ज्यादातर तो बाईपास करना सीखो, बाईपास में बहुत मजा आएगा, याद रखने का अपने को Y20G Y21 वो सब जो आते हैं ना, उन लोगों से नहीं करना डेढ़ हो रहे फोन, ये पास भी जितना आता है हो सके, बाईपास करने में ज्यादा से ज्यादा 58 सेकंड लगता है, एक मिनट भी नहीं लगता है, कम हो जाता है उसको, ये खास ध्यान रखना। बाईपास में बहुत टाइम लगता है सर, पहले टाइम लगेगा सर ने, हेलो मेरी बात सुनिए आप लोग सर, कैसे अभी अपने को कुछ नॉलेज नहीं था, सर ने बताया तभी अपनों को कैसे आसान लगने लगा, अब बाईपास करोगे आपको हाउ इजी लगेगा, अब हंसते हंसते करोगे, मेरी बात याद रखो, दोनों नॉलेज आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर, बाय हैंड वाई बाय FRB और UMT से भी निकालना, टूल से निकालना, ठीक है, फ्री वाले टूल से भी निकालना, सारा नॉलेज आना चाहिए। जी सर, मैं तो अहमदाबाद से बोल रहा हूँ ना, कि आपका जो क्लास करने का तरीका बहुत अच्छा है सर, उसमें कैसा है कि कोई भी बंदा हो जिसको नहीं समझ में आने वाला तो भी है, क्योंकि आपका जो टेक्निक है ना बताने बहुत अच्छा है। तो रवि, सबसे पहले आप कहाँ से? अहमदाबाद से सर। अहमदाबाद से? गुजरात। कितने साल से कर रहे काम? मैं लमसम ये लाइन में 3 साल हुआ है, लेकिन मेरा एक्चुअली इसमें काफी अच्छा है रहा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्टअप है। ओके, दिख रहा है। अब बेली हमेशा देखते हैं तो माइक्रोस्कोप बड़े हुए रहते काम कर सर, काम सर ऑलरेडी ज्यादा होता है ना मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें कम से कम 60 डीलर है, 60 डीलर का काम ज्यादा आता है ना सर। आप सॉफ्टवेयर के बारे में पहले क्या नॉलेज था? सॉफ्टवेयर में था, करता था सर, अभी जो मेरे को नोटिस करने वाली चीज होता है मैं करता हूँ, बाकी जो मेरे को आता है मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ सर। ठीक है, बाकी आपका जो सिखाने का तरीका है बहुत अच्छा, वेरी वेरी सर। तो आप थोड़ा बहुत करते पहले से भी, लेकिन अभी जो क्लास चल रहा है तो डाउट उसमें निकल रहे आपके? मेरा तो उसमें डाउट सब निकला है सर, जो है EMMC का जो मेन प्रोग्रामिंग का काम इसके बाद काम आएगा ना सर, वो बहुत अच्छा रहेगा सर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अभी अभी बहुत सारा क्लास बचा हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है सर, और भी मजा आएगा। रिपेयर कैसे होता है, इसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है, अमुक डेट करते हैं तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, EMMC चेंज करते हैं तो उसके अंदर हीरा रहता है उसको कैसे सोल्व किया जाता है, मेन पॉइंट सर वो रहेगा। हाँ बताएंगे, सब चीज बताएंगे। ठीक है, एक लास्ट सईद, आप थोड़ा सा कुछ बताइए, कैमरा ऑन रखिए और माइक और। हाँ वालेकुम। हाँ वाली सलाम। हाँ सर, सॉफ्टवेयर का काम तो पहले से नहीं करता था सर। कहाँ से पहले ये बताइए? सर मैं तेलंगाना तांडूर से हूँ सर, हैदराबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा अच्छा, तो मेरे बाजू ही पुलिस स्टेशन है बाजू ही, तो उस वजह से परमिशन नहीं मिली फैमिली मेंबर्स के पास से कि सॉफ्टवेयर नहीं करना है बल्कि किसी से टैक बॉक्स मैं दुकान डाल के 3.5 साल पूरा, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते थे हम। अच्छा। तो इसी से टैक बॉक्स लेके भी रख दिया लेकिन उसको यूज ही नहीं करा, अभी एक महीने से निकाल के थोड़ा बहुत यूज करेंगे बोल के उसको जरा साफ वगैरह करके रख दिया, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर लेके रख लिया, अब कोशिश करना है।